तो मैंने कहा तरन्नुम में सुनाऊंगी। तो उन्होंने तरन्नुम में सुनाया तो मैं सुनकर दंग रह गया कि वो इतना अच्छा गाते भी हैं। उसी गाने की चंद लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ। वाह ये पार्थ कम ऑन माय स्टेज। और दीपक, दीपक कहाँ है? दीपक दीपक हरी खिलाड़िया Ladies and gentlemen, 3 cheers for our founders. Let's give it up for Sumit Kumar Tiwari. और अपनी तरफ से कैमराबाज को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये अपने एक आयाम स्थापित करेंगे और एक बुलंदियों तक पहुंचेंगे। शुक्रिया। आपके ब्लेसिंग्स ट्रूली मीन अ लॉट एंड एवरी वर्ड आपका हर शब्द इज अ वर्ड ऑफ विजडम। यू आर अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट अ मैन ऑफ पावर, अ मैन ऑफ। ये मेरे लिए बड़ी अटपटी सी बात मैं बता दूं कि अंग्रेजी में मेरी फीस माफ थी और ये नहीं मालूम था कि इस फिल्म इंडस्ट्री की सरकारी भाषा अंग्रेजी है। नहीं सर, हिंदी और हिंदी रहेगी हमेशा सर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मिथिली जी के बारे में जितना कुछ सुना है सब सच सुना है क्योंकि इनका नाम ही है मिथिलेश। मेरे में मिथ ज्यादा है और लेस हूँ मैं मिथ से, तो ना मिथ है। और हिंदी में गाने तो मिथ से भरे हुए, मिथ लेस मिथ लेस। लेकिन अभी हमने सर के साथ एक फिल्म शूटिंग की गणेश आचार्य जी की देहाती डिस्को, और मेरा सौभाग्य कि इत्तेफाक से हम दोनों को एक ही रूम एक ही वैनिटी में मिली थी और उसमें इनके साथ में इतने सारे एक्सपीरियंस सुनने मिले, देखने मिले, सीखने मिले। जोरदार तालियां मिथिली जी के लिए। ये कह रहे हैं कि इनका कोई अचीवमेंट नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि इनसे जितना सीखा जाए इंडस्ट्री को उतना कम। अकबर है तो उस अकबर की ये बिरबल है, उस अकबर की एक मैं फार्मूला आप सबको बताना चाहता हूँ जो मैंने देवानंद साहब से सीखा है। हाउ टू बी यंग ऑलवेज। मैं उनके साथ शूटिंग कर रहा था फिल्म थी लूटमार। अच्छा। तो शूटिंग की जब बैठक हुआ तो देव साहब बोले बीरबल अभी देव साहब ने देव साहब और मैं दोनों चट्टान पर बैठ गए। चट्टान पर बैठ गए तो मुझे पता चला कि मेरी तरह वो किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन हैं।
तो उन्होंने मुझे गाना सुनाया, मैं चाहता हूँ कि याद भी वो गाना आप लोगों को सुना दूँ। जी म्यूजिक कि जिंदगी में ना तो हंसना मुश्किल काम है ना ही रोना मुश्किल काम है, कि जिंदगी में ना तो हंसना मुश्किल काम है ना ही रोना मुश्किल काम है, लेकिन अपने आप को रुलाकर दूसरों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। और हमारे बॉलीवुड के जो दिग्गज यानी कि शोले फिल्म से लेकर जाने कितनी अनगिनत फिल्मों के साथ साथ आज भी हमारे बीच में है, और कहते हैं कि कैमराबाज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यानी संजय वर्मा की तरफ से मेरी ढेर सारी कामनाएं शुभकामनाएं। यस यस कैमरा बाल के लिए, ये जो नया चैनल आ रहा है इसमें हम जैसे पुराने पुराने लोगों को भी पब्लिक को देखने का मौका मिलेगा। यस yes. क्योंकि फिल्मों वाले तो अभी हमें बुलाते हैं, कहते हैं यार बीरबल तो अभी बूढ़ा हो गया, ये हो गया। मैंने कहा है बूढ़ा आदमी कभी नहीं होता। देवानंद ने मुझे फार्मूला जो बताया है मैं उस पर चल रहा हूँ, और खूबसूरत लड़कियों को देख कर यंग फील करता हूँ। यानी कैमराबाज के लिए यानी ढेर सारी शुभकामनाएं है। और आजकल भी यानी हर इस एंटरटेनमेंट के ज़माने में एक नया नया तरोताज़ा, हमें कॉमेडी चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, हर सब यानी कि साज आवाज़ अंदाज का पूरा संगम है। और इस संगम में छोटे बच्चे ही पसंद करते हैं और बड़े ही पसंद करते हैं कैमराबाज। और मैं बचपन से किशोर कुमार का फैन हूँ, उसी को देखकर एक्टर बना, उसके गाने गाता था बचपन में और आज भी गाता हूँ मैं स्टेज शोज वगैरह में जाके, और अभी तक की उम्र में भी गा सकता हूँ। एक उसका गाना है जिसकी भाई मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम अमोल सोनी, मैं स्टैंड अप कॉमिक तो हूँ ही, लेकिन लाइव स्टेज पे परफॉर्म करते करते कई अलग अलग चैनल पे परफॉर्म करने के बावजूद भी ये हमेशा महसूस हुआ कि यार वो इत्मीनान से परफॉर्म करने को नहीं मिलता, क्योंकि हर जगह सेंसर होता है, 10 तरह के कारण होते हैं, 10 राइटर बिठा देते हैं टीवी में, ऐसा करो वैसा करो। बट कैमराबाज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हमें पूरी आज़ादी मिली हमारे जोक्स क्रैक करने के लिए, एक अच्छी ऑडियंस मिली, एक ऐसा एटमॉस्फियर हमें मिला कि जहाँ पे हमको ये महसूस हुआ कि नहीं यहाँ पर कलाकार जिंदा दिली से परफॉर्म कर सकता है बिना किसी डर के। आप बिलीव नहीं करेंगे, स्टैंड अप का इतना सूखा था मेरे जीवन में कि मैं क्राइम पेट्रोल करने लग गया था। आप मतलब मेरा जोक भी है कह ले कुछ भी कह ले, क्राइम पेट्रोल में इतना क्राइम किया है कि मेरा आंकड़ा आप गाजियाबाद से ज़्यादा हो चुका है। तो वो वाली हालत है, जो हंसा हुआ गाजियाबाद का ही था। लेकिन खैर मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लग रहा है कि कैमराबाज का जो लॉन्चिंग है वो इतने बड़े लेवल पर हुआ है। और सच में मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मैं अभी भी बता रहा हूँ, शूटिंग के पहले दिन ज़रा भी नहीं पता था मुझे कि इतना बेहतरीन तरीके से शूट होगा और इतना बेहतरीन तरीके से लॉन्चिंग होगा। मैं खुद गदगद हो गया हूँ। थैंक यू सो मच कैमराबाज, थैंक यू सो मच। अरे नहीं सर, बस सर मैं यही कहूँगा कि जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन आर्टिस्ट है वो आ जाए कैमराबाज के प्लेटफॉर्म पे और अपनी अपना कला दिखाइए। और क्योंकि बहुत से ऐसे अभी यूट्यूब पे ऐसे चैनल बने हुए जो कॉमेडियंस को फिर सिंगर्स को चांस देती है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे लॉन्चिंग और इतने अच्छी तरह से, मतलब ये लोगों ने पहले दिन शूट किया सुमित भाई ने कैमराबाज के ज़रिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आ रहा है। बस यही कहूँगा कि भाई ऐसे ही प्लेटफॉर्म और ऐसे कलाकारों को चांस देते रहे कैमराबाज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। शेर है कि देखो ज़रा लोगों, रहना ज़रा संभाल के, बेचने वाले बेच देते हैं हवा भी गुब्बारों में डाल। तो आज हम जो देखते हैं सब कुछ टेलीप्रॉम्प्टर का कमाल, ऐसे में जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आता है जहाँ पर यू नो दैट देर इज जेन्युइन टैलेंट लाइक हिम, आई थिंक वी हैव वर्क्ड इन मेनी शोज टुगेदर, दिस मैन इज अ लेजेंड, व्हेन ही गोज ऑन स्टेज ही इज अनस्टॉपेबल। तो ये इस तरह का जब टैलेंट लेकर आते हैं जहाँ मालूम है टेलीप्रॉम्प्टर्स नहीं अंदर से निकल रहा है जेन्युइनली, तो मज़ा आता है क्योंकि फिर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और कॉमेडी में आप चाहे पोएट्री में बोल लीजिए, जब तक वो स्पॉन्टेनियस नहीं, वो मज़ा नहीं है। सो यस आई हैव टू से दैट कैमराबाज इज़ अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म, एंड आई रियली होप ऐसे प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा आए जहाँ पर नेचुरल टैलेंट उभर कर आए। सब कुछ जो है बहुत आर्टिफिशियल हो गया है। थैंक यू सो मच।